एंड हे व्हाट इज अप गाइस गाइस मैं आज एक बार फिर से आ चुका गाइस आप लोगों के लिए एक न्यू ब्रांडेड वीडियो लेके। और मैं इसके अंदर मुझे मेरे दोस्त ने चैलेंज दिया कि भाई हम लोग करेंगे एक कस्टम। मैंने कहा चल ठीक है। फिर उसने कहा कि भाई देख मैं ओनली एंड ओनली ड्रेजेडी कर लूँगा और तू सारी SMG गन ले लेना। मैंने कहा चल ठीक है। तो फिर हमने किया वो चैलेंज, ठीक है। और उसके अंदर आप लोग देख लेना कि कौन जीता है। और वो मेरा दोस्त वो प्रो है और मैं आप लोगों को बताऊँ क्या नूब, क्या आप लोग मुझे जो भी समझो। कभी गेम प्ले अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है मेरा गेम प्ले। तो अब आप लोग कुछ भी लिख देना कमेंट के अंदर भाई कौन जीतेगा। पहले वीडियो को देखने के पहले, इंट्रो को ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट करना कि भाई नूब जीतेगा या प्रो जीतेगा, ठीक है। और वो बंदा वो ड्रेजेड ईगल्स है, वो भी अच्छे खासे राउंड जीत गया, मैं भी फिर जीत गया। पता नहीं फिर हम दोनों में से जीता कौन, मुझे तो पता है। और ये आप लोगों के लिए अभी सच है। तो आप लोग पहले इंट्रो को देख लेना, फिर जैसे इंट्रो खत्म हो आप लोग फिर आप लोग देखना, ठीक है। नहीं फिर आप लोग वीडियो देखना, पहले आप लोग कमेंट कर देना जैसे इंट्रो खत्म हो। और अब चलते हैं हम हमारे गेम प्ले के ऊपर जो हमने कस्टम किया था। चलो आ जाओ और जब तक आप लोग इंट्रो देखो जब तक हमारा कस्टम स्टार्ट होता है, आ जाओ। और ना भी हमारा गेम मुझ का स्टार्ट। और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रख चुका था मैं कुछ तीन चार दिनों से पहले। ये हमने कुछ किया था मंडे को कस्टम, तो आप लोग समझ सकते हो कितने दिन हो चुके हैं। और ये दिखता भाई इसके अंदर हमने किया था एक चैलेंज, ठीक है। इसका नाम है प्रो, वो है प्रो, उसने ली सिर्फ ड्रेजर्ड ईगल, ठीक है। और मैं हूँ नूब, मैंने ली सिर्फ वो क्या कहते हैं साड़ी की साड़ी SMG। एंड के अंदर एक ट्विस्ट आता है, वो भी आप लोग देख लेना। वो मुझे हराता जाता है, मैं हारता जाता हूँ। फिर एंड के अंदर मैं अपनी पूरी कोशिश कर, मैं को तो हम अभी हारी है तो मुझे इतना देवड़ा है तो मैं हारी जाऊँगा, मुझे कुछ लगता तो है नहीं। फिर एंड के अंदर एक आता है ट्विस्ट, वहाँ पर उसके लग जाते हेड शॉट मेरे, और उसके वहाँ पर होते बाड़ा, उसके चेहरे के ऊपर उसके बच जाते बाड़ा। मैंने कहा भाई अब तू आ जा मैदान के अंदर मेरे साथ। वो सिर्फ आता है और भाई तुम लोगों के भाई ने जो उसको मारा था वो बंदा भाई दुनिया से उठ गया, वो दुनिया से ही उठ गया। ये अभी शुरू के ये जीतेगा राउंड, इसको जीतने दो। फिर आप लोग एंड के अंदर सिर्फ एक ट्विस्ट का इंतज़ार करो। वो ट्विस्ट के अंदर जो यार ये बंदा पिटता है, ओहो पूछो ही मत। उसको साले को जो हेड लगता है ओ भाई मारो, ऐसा सीन था, समझ रहे हो ना तुम लोग। हाँ अभी जा रहा बेचारा बच्चा मेरा मासूम सा, मैं जा रहा हूँ आगे। हम बस मैं ना पे अगर ना पे नहीं अगर मैं ना पे ग्लोल नहीं लगाता उसको मुझे डायरेक्ट वन टैप आता। और अगर वो भी ना पे ग्लोल नहीं लगाता उसको लगता मेरा हेडशॉट। अभी देखना मैं इसके अंदर सुनूंगा कि वो खिड़की से बाहर आएगा, वो मीन्स वो ना से बाहर आएगा जहाँ पे इसका ग्लोल लगा हुआ। नहीं वो साला वो घर के अंदर से वो फिर बाहर आता है, वो मीन्स घर के वहाँ से वो वहाँ गया, ठीक है। और ये हमने कहा था कि भाई घर के अंदर कोई भी नहीं मारा, तो उसने कहा भाई मैं घर के अंदर से नहीं मारा, मैं घर के बाहर क्या मारा। मैंने कहा भाई सही जा रहा है, ये राउंड भी मैं हार जाऊँगा। आप लोग देखो चौथे राउंड के बाद दो राउंड मैच दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद भी कुछ वो एक है जीतता है, फिर आता है ट्विस्ट, फिर कहता है ट्विस्ट, वहाँ पर उसके हो जाते टटर बाय बाय। वो बेचारा कहता होता है कि भाई तू रुक जा थोड़ी देर, मुझे सिर्फ तो बस यार हाथ करने दो, वो करने दे। मैं कहा कि भाई अब तेरा कुछ बहाना नहीं चलेगा। वहाँ पर उसके होते बाड़ा बच जाते हैं। अब देखो मैं जब तक आता हूँ 2-3 मिनट में, जब तक आप लोग ये वीडियो देखो, ठीक है।
गाइस, अभी हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए ये राउंड भी भाई ये राउंड के अंदर मैं उसको लॉन्ग रेंज के अंदर MP40 से मैं उसको हेड दे रहा हूँ 30 का। फिर भी यार वो साला बच जाता है। मैंने कहा भाई देख, अभी मैं शॉर्ट के अंदर जाऊँगा, मुझे शॉर्ट के अंदर ये चली नहीं तो वो साल चमगा मुझे हेड चेप देगा। और उसके पहले राउंड के अंदर आप लोगों ने देख लिया उसने मुझे कैसा कुत्ते की तरह उसने मुझे वन टैप दिया। अब देखो ये मैं आगे गया जा रहा हूँ, हाँ वो मुझे सामने दिख गया जी। देखो पहले उसको बॉडी लगी कि अब हेड लगा, फिर भी मैं उसको मारता हूँ। अभी उसकी एक गोली आई मेरी बेवकूफ़ी क्या होती है, मैं मैडी नहीं मारता, मैं उसको और मारता जाता हूँ। मेरी सबसे बेवकूफ़ी बड़ी ये हो गई। तो फिर मैं ना पे मेरे हो गए टाटा बाय बाय, ठीक है ना। और ये राउंड के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कॉल पे, उसका कुछ इंटरनेट का इशू होता है तो कॉल कट होती है, ठीक है, और उसका गेम प्ले भी हट जाता है। तो उसके अंदर हम उसको देते हैं हेड शॉट, उसका बंदा सिर्फ भागता, वो मीन्स होता है जब हम कहते हैं कि भाई इसका इंटरनेट गया हुआ, इसे भाग 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 ही रहा है ऐसे। जैसे कल आप लोगों ने अज्जू भाई के साथ देखा, भाई अज्जू भाई के साथ तो भाई एक स्कैम हो गया था। मीन्स अज्जू भाई की एक वीडियो थी, आप लोग वो देखना, मुझे याद नहीं है कब आई थी। उसके अंदर अज्जू भाई वो बंदी को हेड पे हेड दे रहे, वो मरी नहीं, तो फिर अज्जू भाई ने उसको मारा कट्ठे से, मर गई। अज्जू भाई ने कहा यार ये क्या है, क्या वो मीन्स ये क्या कर रहे भाई, कर रहे फ्री फायर, देख लो अभी उसको लगेगा हेड शॉट। सो आप लोग अज्जू भाई को भाई यार सब्सक्राइब करो, हमने भी उससे सिखाए, हम देसी भाई से सिखाए, ये इस गेम में सिखाए, टाइटेनियम भाई से सिखाए। और भाई लोकेश का तो कुछ पूछो ही नहीं कोई भी, वो भाई यार वो कुछ गेम प्ले ही नहीं बताता। अरे भाई तू अपने तो कुछ गेम प्ले बता। नहीं भाई मैं सिर्फ ये बताऊँगा मैं बंदों को अकाउंट के अंदर ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अरे भाई कभी गेम प्ले भी बता दे भाई, देखो मैं लोकेश को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, यार वो कुछ गेम प्ले वीडियोज़ के लाए तो मैं उसको देखूँ ना, वो हमेशा सब्सक्राइब कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। टाइटेनियम भाई भी करते हैं, वो भी करते हैं भाई, ये सब लोग करते तो है ना भाई। अरे अभी देख लो, देखो बिल्कुल ही शांति से देखो आप लोग, बिल्कुल ही शांति से, हाँ एक भी शोर शराबा कुछ भी नहीं। वे यार भाई रुक जा, ओ भाई अब आ गया राउंड दूसरा। और मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने सक्सेसफुली दो राउंड जीत चुका हूँ, अब ये राउंड मैं हार्ट में जीतता हूँ शायद, ठीक है। तब तो अब आप लोग देखो बिल्कुल शांति से, ये मैं जा रहा हूँ शांति से ऊपर, और गया गया गया। अरे मैं अब ना पे गया ना से, मैं लूँगा थॉमसन से मैं उसको मारूँगा, वो बिल्कुल मेरे नीचे आ चुका होता है। हाँ वो देखो अब वो आ गया, वो देखो उसको लगा है, उसको मैंने डैमेज दिया। और ये फिर मैं अंदर दोनों अब फायरिंग कर रहा था क्योंकि मुझे उसकी लोकेशन ही नहीं पता थी। अब वो आ चुका होता है चिंगारी बिल्कुल मेरे नीचे है, अभी मैं उसको ढूंढता हूँ। वो साला मेरे घर के अंदर नहीं आता, ये साल चिंगारी नीचे से गिलोल डालता होता है। ये देखो बस ये उसका थोड़ा सा सलीका गलत था गिलोल डालने का। अब देखा अब ये होगा साल वो वहाँ पे, देखो नीचे होगा बोरा ये अब पिटेगा, पिटा हेड शॉट भी मैं उसको देता हूँ उसके अंदर, बस बच गया साला देखा। और ये फिर मैंने आप मैडी मारी और ये अभी मैंने मैडी मारी। अब वो पिटेगा, अब वो होता है बिल्कुल ना पे नीचे, मैं उसको ऑलमोस्ट बहुत सारा डैमेज दे चुका होता हूँ। बच गया साला पहली बार, दूसरी बार ये बचता नहीं है। और मैं नीचे जाके है ना मीन्स वो बिल्कुल जोन आने लगता है और मैं उसको हेड दे देता हूँ।
वो मुझसे शॉर्ट के अंदर वो फाइट लेता है। कहा जा ले ले मुझे थोड़ी कुछ है। ये चल चमकांडी उस घर के अंदर। तो अब ये गया मैं नीचे, मुझे उस साली चमकांडी की लोकेशन पता नहीं थी, तो मैंने ये ना पे मैं उसको डैमेज देके ये फिर मैं ना पे एक ग्लो लगा देता हूँ, और वो और उसका ना से भी मुझे हेड लग सकता था। अब ये देखो ये मेरे मुँह पे आया हो, ये इसमें कुछ है कि उसके साथ पता नहीं कैसे आ गया, ये मेरे मुँह पे आया, मैंने उसको डायरेक्ट फिर वो दे दिया हेड। ये अभी हो चुका है 3-4, ठीक है, ये राउंड शायद मैं हार जाऊँगा। देखो बिल्कुल शांति से हाँ, और देखो अभी होता क्या है, आगे देखो होता है क्या, आगे देखो होता है क्या। बेचार बच्चा, ये अब एंड का यह ऑलमोस्ट, तो यह अब आ रहा है ट्विस्ट गेम के अंदर। पता नहीं कौन जीता है, मेरे ख्याल से मैं जीता हूँ या वो जीता है, ये मुझे उसका याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि उसके 5 राउंड हो रहे, फिर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो शॉक के अंदर होता है, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इसके टाइम तो नहीं हो रहा मेरे साथ। अब मैं गया ऊपर, शांति से मैं जा रहा हूँ ऊपर, और ये सारे चमकांडे मुझे मिल जाता है, वो मेरे अड्डे के अंदर होता है। मैंने उसको कहा कि भाई तू है कहाँ पे, वो कहता है मैं मीना पे हूँ। मैंने कहा देख मैंने भी अभी जस्ट फायरिंग की, तो बता तू है कहाँ पे। अब वो मुझे दिखता नहीं अभी तक। फिर मेरे पास एक गोलियाँ कुछ आती है, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई वहाँ पे। अब मुझे ना से वो मुझे दिख जाता है, वो मुझे दिख गया अपना से। मैं भी उसको डैमेज देता हूँ, वो भी मुझे देता है ना से। उस साल चमकंडी को मेरी गोली नहीं लगती, तो मैं यहाँ से थोड़ा खड़ा होकर देता हूँ। फिर मैं एक बार क्लोज के अंदर ये राउंड वो जीतता है, क्यों, क्योंकि वो साल मुझे एलिमिनेट कर देता है। अब वो साल चमकंडी वहाँ पे, मैं ना पे, वो साला जा रहा है वहाँ पे, मैं जा रहा हूँ ना पे। ये ना पे होता है धमाशान युद्ध। ये तो वो साला बच गया, क्योंकि वो साले ने बैकअप ले लिया थोड़ा सा। अगर वो बैकअप नहीं लेता है, तो मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ उसकी देखो कि उसकी धोबी ठेस जाती है। अभी वो मेरी ठेस चुका हुआ। अब ये जाता ऊपर, इसको सबसे बड़ी पागल बन गई। अभी देखो अभी जोन आ रहा है बिल्कुल पीछे, और ये मेरे पास ये गन है, और ये साला मुझे यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है। उसने कहा अभी भाई तू एलिमिनेट नहीं कर, तू मुझे मार। ये राउंड वो जीता नहीं, हाँ मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ। गलती मेरी होती है, अगर वो थोड़ा सा दूर होता ना, तो उसकी ठेस देता। अब गाइस अब आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाओ अपनी कुर्सियों के ऊपर, बैठ जाओ चिपक जाओ उसके ऊपर। अब आप लोग देखो अपने भाई का गेम प्ले। अब आता है एक ट्विस्ट बहुत बड़ा, वो मुझे फायरिंग ही देता होता, ये करता होता, वो करता होता। मैंने कहा चल भाई तुझे जितनी पावर है तू मुझे सारी यूज कर ले। पता नहीं ये फिर ना से क्या होता है, मुझे तो पता है। अब देखो आप लोग, मैं भी देखता हूँ यार होता क्या है, क्या कहता आप लोग, कौन जीतेगा, वो जीतेगा या मैं जीतूँगा। ये मैं डायरेक्टिकल से उसको कुछ देता रहता हूँ या नहीं, वो मुझे खुद को याद नहीं है फिर कन्फर्म। अभी देखो मैं जा रहा हूँ बिल्कुल शांति से, बोला वो मुझे दिख गया। उसने कहा कि भाई मैंने लिया M500, और उसने कहा कि मुझे वो चलानी नहीं आती। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मेरे पास थी MP5 और MP40। वो देखो मैंने उसको डायरेक्ट हेडशॉट दे दिया 104 का। ओके भाई यार तेरे पास MP5 है फिर भी तू डर रहा है,
मैंने कहा भाई डरने की बात नहीं है, तू साले अगर तूने मुझे हैक दे दिया तो फिर मेरा तो भाई लग जाएंगे। और क्योंकि M500 का भी कुछ हैक 200 का ही आता है तो बंदा उठता नहीं है, उठ ही जाता है। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो यार जल्दी। और इस वीडियो के ऊपर लाइक किए मैं हमारा कुछ कितना रखूँ यार तुम लोग ही बताओ। हाँ 140 फॉलोअर्स है मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं किसी को भी फॉलो बैक नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को अभी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं ऑफिशियल कर रहा हूँ मेरा पेज। मुझे 140 फॉलोअर्स चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर, वो हो जाना चाहिए ठीक है। और दूसरी बात ये 140 फॉलोअर्स हो गए और फिर मुझे 340 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं अब कभी भी कुछ वीडियो वो मीन्स वीडियो तो ले आऊँगा, फिर मैं कुछ आप लोगों के साथ अब फिर से कुछ इंटरेस्टिंग करूँगा यानी ठीक है। और शेयर कर देना 10+ प्लीज़ यार, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई मेरी वीडियो को शेयर करो प्लीज़ यार शेयर करो। और कमेंट कर देना ठीक है, कमेंट तो वो आज कमेंट का टारगेट शुरू करता ना ये जगह ना पे भी शायद उसका इंटेंट ही चला जाता है। मेरे को भाई तेरा ये क्या इंटेंट है या टट्टी है, वो कहता पता नहीं क्या हो रहा है। जब उसका 4 और 5 और ये राउंड भी मैं जीतता हूँ। वो कहता है अबे भाई थोड़ा मुझे भी जीतने दे। मैं कहता हूँ भाई देख शुरू में तू जीता एंड गंदे मैं जीता, सेम हो गया लेवल। देखो देखो यार वो बेचारा कैसे पिटता है देखो यार। और इसका थंबनेल होगा नूब वर्सेस प्रो, वाह या वाह। और नूब लेता है SMG और प्रो लेता है ओनली ड्रेजेट ईगल यार। और नूब लेता है सारी SMG की गन, वो साले मुझे उसने मुझे खुले के अंदर दिया था भाई तू आ जा मैं अब ये हूँ वो। मैंने कहा चल आ जा बे चाले चिमकंटी, वो समझ रहा था मुझसे मुझे कम। और ये अभी होता है वो कुछ अपने पाले के अंदर नहीं पाले नहीं वो मीन्स वहाँ पे अटक गया होता है वो या वो नहीं हाँ याद आ गया वो मेरे साइड पर होता है और मैं उसकी साइड पर होता हूँ। मैंने कहा कि भाई तू कहाँ पे है, उसने कहा तू कहाँ पे, मैंने कहा भाई मैं जी साइड पर हूँ और तू कहाँ पे, उसने कहा कि मैं जी साइड पर हूँ। अब ये देखो ये ना पे लगता है उसको, अबे यार ये ना पे मैं उसको कुछ देता नहीं हूँ। अच्छा हाँ ना पे उसने कुछ भी नहीं लिया होता है तो जो मैं उसको कहता हूँ कि भाई तो आके ग्लोल, उसने कहा यार तू मुझे ग्लोल, मैंने कहा आके तू ले जा। तो फिर वो आता है अभी भी आ नहीं रहा, अब आ गया सारा चिमकांट। और ये मैं कहता हूँ अबे सॉरी तू जा जा यार, वो पता नहीं ये मेरा ना डिफॉल्ट वो ये मैं ये मेरा उसकी ये मेरा फायर का बटन दब गया था, मैं असल में निकालना चाह रहा था ग्लू, ये बिल्कुल पीछे जा रहा है जाहिर है। हाँ मैं उसको कहता हूँ हाँ बेटा तुझे जितना भागना है तू भाग ले, तो जो भी कर ले जीतूँगा तो मैं ही। उसने कहा चल देख लेता है, मैंने कहा हाँ तो देख ले कौन तो है बाप, ये आएगा बिल्कुल मेरे नाश नहीं आएगा। ये पहुँच जाता है उसके वहाँ पे और ये मुझे उसका लगता है कुछ बहुत ही पट्टी जैसा डैमेज। मैं अभी सब वहाँ पे ग्लोअल फाइट कर रहा हूँ, अभी आएगा सर चिमकंडी मेरे मुंह पे और ये इसको मैंने दे डैमेज बहुत चढ़ा। बस ये बच गया, अब ये मर जाएगा। अब इसके राम राम बोल लो सब लोग, सत्य है आलो चले। अरे भाई अब मरेगा, अब तो ये डेफिनेटली मर, अभी मर गया। अरे यार ये गाइस थोड़ी गेम का वो रिकॉर्डिंग या कुछ गेम का इशू है, जब मैं इसके अंदर फेंकता हूँ स्मोक ग्रेनेड, उस साले ने किया होता है अपने आपको पैक और ये निकलता है वो उस पीछे से मुझे भी गेड़ा नहीं, वो निकलने की कोशिश करता है और मैं जब तक अंदर चला जाता हूँ मैं देखता हूँ भाई क्या, वो कहता है भाई ये कैसे हो गया। मैंने कहा भाई देख अभी हो गया 5 पॉइंट मेरे, मैंने कहा देख भाई मुझे 2 जीतने हैं तुझे भी 2 जीतना है। फिर हमने कहा चल भाई देखते हैं तेरे अंदर डम है या मेरे अंदर, उसने कहा अबे उसने कहा कि भाई नूब तुझसे नहीं होगा। मैंने कहा अगर हो गया तो ठीक है तो मुझे कुछ देगा, फिर वो उसने कुछ दिया मुझे, वो क्या दिया है क्या दिया उसने मुझे क्या दिया उसने मुझे कहा यार देख मैं मेरे फिर सारे दोस्तों के भाई इसके चैनल को भाई वो करो प्रमोट, और उसके किसी ने तो किसी ने कर भी दिया था। मैंने कहा कि देख भाई तू उनको कह के अभी नहीं करे, कब करे जब मेरी वीडियो आ जाए। उसने कहा चल ठीक है, और ये है हमारी वीडियो बिल्कुल भाई
टी तो नहीं है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई कमेंट के अंदर लिख के बताओ कि भाई आप लोगों को कौन सा चैलेंज चाहिए, समझ गए। और ये अब दो काम करना है आप लोगों को कमेंट के अंदर, एक ये बताओ कि आप लोगों को कौन सा चैलेंज चाहिए, और दूसरा ये बताओ कि कौन सा, अब मैं मेरे चैनल का नाम क्या रखूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल का नाम चेंज कर दो, बिल्कुल बकवास है, ठीक है। और वीडियो के ऊपर लाइक एम कितना है, 30 प्लस बोला था, हाँ 30 प्लस लाइक एम है, 340 प्लस सब्सक्राइबर है, 10 प्लस शेयर है, ठीक है ना। और 140 आप लोगों को क्या करना है, मुझे फॉलो इंस्टाग्राम को, लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर है तो कर देना, नहीं किया तो फिर देख लेना। और अभी फेसबुक का अभी कुछ आ जाएगा ऑफिशियल अकाउंट, ठीक है। अभी देखो अभी ये पिटेगा मुझ, ये पिटेगा मेरे हाथ से, वोड़ा झाड़ा वोड़ा पिटा। कैसा दिया उसको 72 का हेड, अभी दूंगा, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वो मार खाएगा। और वोड़ा वो है ही वहाँ पे। मैंने उसको पूछा कि भाई तू है कहाँ पे, उसने कहा कि ना पे, मैंने कहा भाई तू मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, ये मैं उसको है ना, नहीं समझो कि मैं उसको हेड पे हेड देता हूँ। वो कहता भाई थोड़ा तो रहम कर ले, मैंने कहा भाई अब रहम वहम कुछ भी नहीं होता, जब तूने मेरी ठेस थी तो जब मैंने भी कुछ बोला नहीं था तुझे, तो अब तू भी ठेस मिली, फिर हम दोनों के अंदर होते जंग, और जंग ये है। इसके अंदर बताओ गाइस कौन जीतेगा, मैं या वो, मेरे ख्याल से मैं जीतूँगा। लगा उसको सही का डैमेज लगा, अब वो पीछे से वो आगे आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई वो जोन आ रहा है, तो भाई वो चिमकांडी भैया वो आगे तो आएंगे, और आएंगे ही ना पे, उसको पड़ रहा है डैमेज पे डैमेज। और यहाँ पे वो बेचारा बंदा है बॉडी शॉट के साथ खत्म। और भी गाइस लास्ट राउंड, वो जीतूंगा मैं यार, तुम लोग को बाइक जीतेगा देख लो, तो अभी देखो यार क्या होता है। अभी वो बेचार पिटेगा यार, उसके बंदे वो पिटेगा, देखना वो सलचिम कंटे आएगा मेरे मुंह पे, नहीं यार ऊंचे से मारेगा मुझे, मैं भी जख्म पे नीचे, मैंने कहा जा तू ऊंचे से मारने की कोशिश कर, नहीं वो आ रहा था ऊपर, मैंने कहा भाई तू ऊपर नहीं है, जब पे ट्रक है ना तो वहाँ पे आ जा, ठीक है, फिर आता है ना पे, और वो नाच नहीं आया था, वो जो सामने ब्लू वो कंटेनर है ना, वो वहाँ से आता है, ये देखना भैया, वहाँ उसको नाच ढूंढना, तो अरे भाई तो नाच आएगा नहीं, वो साला मुझे वहाँ से उसकी एक फायर आती है, ये देखो अब ये फिर उसकी फायर आई, फिर मैं उसकी अब फिर मैं उसकी लोकेशन ढूंढने बैठ जाता हूँ, वो फिर वो मुझे सामने से नजर आ जाता है, ये फिर और फिर ये नन्ना पे आड़ होता है, और मैं उसको डैमेज दे देता रहा, और ये मैंने उसको डैमेज दिया, वो फिर अब छुप गया, फिर वो आएगा मुझे फाइट लेने, क्या ऐसा नहीं कि वो फाइट लेने नहीं आएगा। ये फिर एक बार ये भी फेंकता है स्मोक ग्रेनेड, उससे मैं बच जाता हूँ, मैंने कहा कि भाई तू मुझसे तू नहीं जीत सकता। अभी आ चुका है ना पे, ये वहाँ पे पहुँच गया, अभी ना पे कुछ फेंकेगा नहीं, अभी तो मैं उसको डैमेज दे रहा हूँ, मैं उसको ना कुछ ये पता नहीं क्या होता है, ये कुछ स्मोक ग्रेनेड कुछ करते हैं, मैं उसको उसके अंदर ही ठोकता हूँ, ये मैंने लगाया ना पे ग्लोअल, वो चमकांडी भैया ना ना से आने की कोशिश करते हैं, आ जाओ ये देखो अभी उसने कर दिया स्मोक, अब वो आएगा, और मैं ऑनलाइन पोजिशन ऐसी लिया कि भाई वो नाच है क्या वहाँ से आए, उसको दोनों जगह से ठेस दो, और ये अब आ गया अंदर, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ मंदाजुन फायरिंग, और उसको लगे हेड के ऊपर सारी गोलियाँ, और यहाँ पे होता है हमारा बूया बूया, और यहाँ पे हम करते हैं इमोट
हम कहते भाई आ जा, तू जितना प्रो होता हमने तुझे उतना ही नूब बना लिया। और गाइस लाइक है मैं 30+ कमेंट के अंदर बताओ भाई हम अपना दूसरा नाम कर के और नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लाए, और सब्सक्राइब है मैं 340+, ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पर 140 फॉलोअर्स चाहिए अभी के लिए। अल्लाह हाफिज़, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।